السلام عليكم. motivation was being discussed. कल हमने content theories को discuss किया था. We talked about content theories yesterday. Today we'll be talking about the only process theory, that is Victor Room's expectancy theory. This theory was presented by Victor Room in 1964. And this theory actually measures the strength of motivation. ये थ्योरी जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन को मेजर करती है. स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन कंटेंट थ्योरीज में मेजर नहीं की जाती. एंड सेकेंडली कंटेंट थ्योरीज का एक ड्रॉबैक ये भी है कि हाउ वुड यू सी, हाउ वुड यू मेजर दैट मोटिवेशन हैज एक्चुअली रिजल्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. ठीक है ना. तो विक्टर रूम ने ये कहा था कि बिहेवियर जो है ना आपका, that is a result of conscious choice of individuals at work. और हर इंसान के अपने कुछ personal goals भी होते हैं जो वो satisfy करना चाह रहा होता है अपने काम से, अपने work से, अपने official work से. Victor Room चार factors define करता है motivation के. Victor Room कहते हैं कि जब भी आपने किसी भी इदारे के अंदर motivation लेके आनी है अपने employees में, you have to focus on four factors. Number one, the first factor is the degree of effort an individual puts into his work. Number two, the desired level of performance जो आप चाह रहे होते हैं employee से, उसको define करना important है. Number three, the rewards must be promised. अगर एक employee एक certain way में behave करता है, एक certain way में perform करता है, तो कुछ ना कुछ promise reward जो है वो आपको से देने चाहिए. And number four, the reward must satisfy some needs of the employee. वो रिवॉर्ड जो है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट भी होने चाहिए. विक्टर रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को तीन एरियाज में तोड़ता है. विक्टर रूम ब्रेक डाउन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इन थ्री एरियाज. द फर्स्ट थिंग इज दैट एफर्ट्स विल लीड टू अ डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. आपकी जो एफर्ट्स हैं ये आपको एक डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे लेके जाएंगी. इसको हम नाम देते हैं एक्सपेक्टेंसी का, दैट इज नोन एज एक्सपेक्टेंसी. एम्प्लॉयज में ये चीज पैदा करना कि उनकी जो एफर्ट्स हैं, अगर वो मेहनत करते हैं तो वाकई वो एक सर्टन लेवल पे परफॉर्म करेंगे. चैलेंजिंग गोल सेट करना एम्प्लॉयज के लिए, चैलेंजिंग गोल सेट करना एम्प्लॉयज के लिए, एंड मेकिंग द पर्सन बिलीव दैट ही इज गोइंग टू, इफ ही इज गोइंग टू पुट इन मोर एफर्ट हिज परफॉर्मेंस विल बी इंक्रीज्ड. अगर वो एफर्ट डालेगा तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी. इसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेंसी. अच्छा, फिर सिर्फ परफॉर्म करना ही काफी नहीं होता. उसके बाद वंस अ पर्सन इज गोइंग टू परफॉर्म एट अ सर्टेन लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट, जब एक बंदा एक सर्टेन लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट पे परफॉर्म करेगा तो क्या उसकी परफॉर्मेंस डिजायर्ड रिवॉर्ड पे लेके जाएगी. इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटैलिटी, दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटैलिटी. Instrumentality means that the performance is going to lead towards the desired reward. एक इंसान का यह belief कि उसकी जो performance है वो उसे एक certain targeted reward में लेके जाएगी. और तीसरी चीज होती है आपकी कि वो जो reward उसे आप दे रहे हैं, क्या वो reward उसके लिए जरूरी भी है. Whatever reward you are giving to the person, क्या वो reward जरूरी भी है उसके लिए. इसे कहते हैं वेलेंस, दैट इज नोन एज वेलेंस. वेलेंस मींस इंपॉर्टेंस. वेलेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस. द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल नीड ऑफ रिवॉर्ड्स. इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दिया करता हूं कि आपको आपके फादर ने एक प्रॉमिस किया है दैट इफ यू आर गोइंग टू ब्रिंग, इफ यू आर गोइंग टू क्वालिफाई ऑल द पेपर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर आप पहली अटेम्प्ट में सारे पेपर क्वालिफाई करेंगे तो आपको वो एक 0 मीटर होंडा सिटी जो है वो निकलवा के देंगे, 2016 मॉडल. ठीक है. नाउ ये अब जो स्टेटमेंट है इसके अंदर अब ये प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन कैसे आएगा. सबसे पहले आपका अपना बिलीफ, क्या आपकी एफर्ट्स आपको परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाएंगी. वेदर यू बिलीव कि अगर आप मेहनत करेंगे, हाँ ना ही समझे नहीं बेटा, वेदर यू आर गोइंग टू गिव एफर्ट टू द टास्क, क्या वाकई आप सारे पेपर पहली अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं इस दफा जो आप पेपर आपने एनरोल किए हैं, दो है या तीन जितने भी.
कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये बिलीफ होना चाहिए कि आपकी एफर्ट जो है वो आपको डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में लेके जाएंगी। अच्छा, लेट्स सपोज ये बिलीफ जो है वो पॉजिटिव है, एक्सपेक्टेंसी जो है वो पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव। अब अगला स्टेप क्या है कि जो आपकी परफॉर्मेंस है क्या वाकई आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा। वालिद साहब हमेशा वादा ही करते हैं लेकिन आज तक कभी बाइक तक तो लेके नहीं दी, गाड़ी की बात करते हैं। मीन इंस्ट्रूमेंटैलिटी मिसिंग है, योर परफॉर्मेंस इज नॉट गोइंग टू लीड यू टूवर्ड्स द डिजायर्ड रिवॉर्ड, इंस्ट्रूमेंटैलिटी मिसिंग, ठीक है। लेकिन जो प्रॉमिस होता है वो हमेशा पूरा होता है, ठीक है। अगर ये बिलीफ है आपको कि अगर आप परफॉर्म करेंगे तो वाकई रिवॉर्ड मिलेगा, तो मीन इंस्ट्रूमेंटैलिटी भी पॉजिटिव है। और फिर वो रिवॉर्ड जो आपको मिलेगा वो आपकी पर्सनल नीड सेटिस्फेक्शन कैसे करेगा। अभी आपके पास कन्वेंस नहीं है कोई भी और आप बड़ा बड़े धक्के खाते हैं आप अपने कैंपस आने के लिए, ठीक, और आपको वाकई गाड़ी चाहिए, मीन्स वैलेंस भी पॉजिटिव है, ठीक है। आपके माशाल्लाह गैराज में ऑलरेडी 6 गाड़ियां खड़ी हैं, आप रोज नई गाड़ी बदल के घर से निकलते हैं, तो मीन्स वो आपको नई गाड़ी नहीं चाहिए, वैलेंस नेगेटिव है या जीरो है, ठीक है ना। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू बी देयर टू ब्रिंग इन द मोटिवेशन। रिवॉर्ड कैन बी इंट्रेंसिक कैन बी एक्सटेंसिक। एक्सटेंसिक रिवॉर्ड में पे बोनस है, इंट्रेंसिक रिवॉर्ड में प्रमोशन का किसी से वादा करना, उसे सेंस ऑफ अचीवमेंट देना, उसे सेंस ऑफ रिकॉग्निशन देना, ये इंट्रेंसिक रिवॉर्ड है। रूम कहता है कि मोटिवेशन तब तक नहीं आ सकती जब तक आप इन तीनों चीजों को किसी भी प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन में पैदा ना कर लें। यू हैव टू ब्रिंग ऑल ऑफ दीज थ्री एरियाज, ठीक है ना। Expectancy is defined as the belief of the individual that by putting in more effort, he or she will get the desired rewards. और जब आप इसको transform करते हैं एक formula में, तो Victor Room की theory का एक formula है, F is equal to V multiplied by E. V कहते हैं valence को और E कहते हैं expectancy को और F कहते हैं strength of motivation को. F is your strength of motivation. E is your expectancy and V is your valence. ये वाहिद थ्योरी है जो आपकी मोटिवेशनल स्ट्रेंथ को मेजर करती है। अच्छा, अब इस फॉर्मूला में अगर आपके ध्यान में आ रहा है कि इंस्ट्रूमेंटैलिटी का जिक्र नहीं है, देयर इज नो इंस्ट्रूमेंटैलिटी, तो इंस्ट्रूमेंटैलिटी जो है दैट इज अ फाउंडेशन फिनोमेना। रिवॉर्ड का ना होना तो फिर मोटिवेट करेगा ही नहीं ना, सीरियसली मोटिवेट नहीं करेगा। रिवॉर्ड का होना और रिवॉर्ड का इंपॉर्टेंट होना, ये वैलेंस है। तो रिवॉर्ड परफॉर्मेंस विल लीड टू अ रिवॉर्ड, ये तो मैंडेटरी है ना। अगर आपकी परफॉर्मेंस आपको किसी रिवॉर्ड की तरफ नहीं लेके जाती तो फिर तो मोटिवेशन होगी ही नहीं, देयर विल बी नो मोटिवेशन। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस आपको रिवॉर्ड की तरफ लेके जाती है तो वो रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट कितना है ये जानना इंपॉर्टेंट है। रूम के मुताबिक किसी भी इदारे को एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के हवाले से दो चीजें डेवलप करनी चाहिए, नंबर वन वैलेंस, नंबर टू एक्सपेक्टेंसी। ऐसे रिवॉर्ड्स क्रिएट करें जो इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉइज के लिए। द मैनेजर शुड देयरफॉर ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट देयर एम्प्लॉइज वांट। यू हैव टू डेवलप सच रिवॉर्ड्स व्हिच आर डिजायर्ड बाय द एम्प्लॉइज एंड देन एक्सपेक्टेंसी। लोगों में ये बिलीफ पैदा करें, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें कि वो वाकई अगर मेहनत करते हैं तो वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट आएगा सेल्फ एफिकेसी का, एक थ्योरी आएगी सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी थ्योरी जो है ये बताती है कि एक इंसान में आप ये बिलीफ पैदा करते हैं कि अगर वो मेहनत करे तो वो परफॉर्म कर सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसको हम ला सकते हैं ट्रेनिंग से, वी कैन गिव द एम्प्लॉइज ट्रेनिंग, ठीक है, वी कैन गिव द पीपल सम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ताकि आप उनकी एक्सपेक्टेंसी को इंप्रूव कर सकें, क्योंकि इससे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होगी। तो विक्टर रूम कहता है कि आपने दो चीजों पे फोकस करना है, नंबर वन एक्सपेक्टेंसी एंड नंबर टू वैलेंस। वैलेंस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवॉर्ड विच यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन। वो रिवॉर्ड जो आप इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड जो आप लाना चाह रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज वैलेंस। एंड एक्सपेक्टेंसी इज द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन इज बेस्ड ऑन द एफर्ट दे आर इनपुटिंग। परफॉर्मेंस जो है ये एफर्ट्स के ऊपर बेस करती है। तो एक इंसान का ये बिलीफ कि अगर वो मेहनत करेगा, अगर वो एफर्ट डालेगा तो वो अल्टीमेटली अपने गोल्स को पूरा कर लेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों के अंदर डेवलपमेंट और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से ये चीज जो है वो डेवलप करते हैं। इंस्ट्रूमेंटैलिटी तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक परफॉर्मेंस आपकी एक रिवॉर्ड को डेवलप करेगी, यानी आपका जो एक रिवॉर्ड है, प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, मैनेजर मस्ट कीप देयर प्रोमिसेस ऑफ रिवॉर्ड अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस एंड दे मस्ट मेक श्योर के एम्प्लॉइज को वो चीज मिले, ठीक है ना।
तो विक्टर रूम की बड़ी एक सिंपल सी थ्योरी है, विक्टर रूम के मुताबिक किसी भी इदारे के अंदर जो मोटिवेशन होती है ये डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन। अच्छा, जो प्रोसेस थ्योरीज है, प्रोसेस थ्योरीज जो है दे मैयर स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन, ये स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन को मैयर करती है। स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन इज मैयर्ड बाय द प्रोसेस थ्योरीज विच इज नॉट मैयर्ड बाय, जो आप मैयर नहीं करते बाय कंटेंट थ्योरीज, ठीक है ना। तो कंटेंट थ्योरीज जो है वो आपके पास टोटल तीन है और प्रोसेस थ्योरीज है वो एक है। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है, हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है, मैकक्लेलैंड की नीड थ्योरी है और विक्टर रूम की एफिशिएंसी थ्योरी। ये चार थ्योरीज में से अभी तक पास पेपर के अंदर हायरार्की मैस्लो पे सवाल आ चुके हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन मैकक्लेलैंड पे था, इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह पास पेपर में। हर्ज़बर्ग पे क्वेश्चन अपेयर हो चुका है, रूम के ऊपर जो क्वेश्चन है ये भी आई गेस पहले आ चुका है बीसीबीएस के दौर में, बट स्टिल हम इसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यस एग्जैक्टली ये जो विक्टर रूम की थ्योरी है बेसिकली ये प्रोसेस थ्योरीज का ही लिंक है ना एक्चुअली, और ये दोनों थ्योरी लिंक्ड है आपस में, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। पहले आप बेसिक नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट मोटिवेट्स, एंड देन यू टॉक अबाउट हाउ टू ब्रिंग इन मोटिवेशन। पहले आप बेसिक नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या चीज मोटिवेट करती है, और उसके बाद फिर आप प्रोसेस पे आते हैं कि आप किस तरह से मोटिवेट करते हैं लोगों को। तो जो प्रोसेस थ्योरीज है ये हाउ को डिफाइन करती है, जो नीड थ्योरीज है आपकी ये डिटरमिन करती है आपके व्हाट कंटेंट को, व्हाट मोटिवेट। जैसे हमने कल डिस्कस किया था मैकक्लेलैंड की नीड थ्योरी के अंदर कि नीड फॉर अचीवमेंट सक्सेस मोटिवेट करती है, ये एक व्हाट का आंसर है, सक्सेस मोटिवेट्स। नीड फॉर पावर अथॉरिटी मोटिवेट करती है, आप इसलिए मोटिवेट होते हैं कि आप इक्तदार में आना चाहते हैं। नीड फॉर एफिलिएशन रिलेशनशिप्स आपको मोटिवेट करते हैं, यू यू वर्क बिकॉज यू वॉन्ट टू स्टे इन रिलेशनशिप्स, ठीक है ना। तो नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट, ये तमाम के तमाम नीड जो है ये व्हाट का आंसर है। तो ये आपकी अर्ली थ्योरी थी जी मोटिवेशन की, ये हमने डिस्कस की थी। दूसरा जो इसमें पार्ट स्टार्ट होता है ये है आपके रिवॉर्ड सिस्टम का, रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन। रिवॉर्ड्स किस किस्म के होते हैं, इदारे को किस किस्म के रिवॉर्ड्स डेवलप करने चाहिए, मैनेजर्स को क्या करना चाहिए रिवॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली कि वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकें। इस एरिया में से थ्योरी में क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, इस एरिया में से जो क्वेश्चन है आपका वो थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड हो सकता है। पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स क्या होते हैं। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड हमने कल भी बात की थी, मटेरियल वर्सेस नॉन मटेरियल रिवॉर्ड्स। एक कुछ रिवॉर्ड्स आपके होते हैं मटेरियल, कुछ रिवॉर्ड्स होते हैं आपके नॉन मटेरियल। सो मटेरियल वर्सेस नॉन मटेरियल रिवॉर्ड्स, देन व्हाट मैनेजर्स कैन डू टू मोटिवेट द स्टाफ, इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इसमें सारी थ्योरीज को वो समराइज कर रहे हैं, हम इदारे किस तरह अपना रिवॉर्ड सिस्टम डेवलप करते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम में आप अपना पे, पेंशन, बोनसेस, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड, ठीक है जी, सैलरीज, ये तमाम आप अपने रिवॉर्ड सिस्टम को डिफाइन करते हैं। देन वी टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, हाउ यू कैन गिव एम्प्लॉइज द फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस का कॉम्पोनेंट है, आप किस तरह इंप्लॉइज को परफॉर्मेंस के ऊपर फीडबैक देके आप उन्हें मोटिवेट करते हैं। रिवॉर्ड किसी भी इदारे में दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड और एक होते हैं इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड फाउंड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड होते हैं और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड होते हैं। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड जैसे वर्ड बता रहा है एक्स का एक्सटर्नल, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड जो है ये एक्सटर्नल होते हैं। मटीरियल रिवॉर्ड होते हैं, दे आर मटीरियल रिवॉर्ड, ठीक है, नजर आने वाली चीजें, टेंजिबल रिवॉर्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पे, कैश बोनस, ठीक है, पेंशन बेनिफिट्स, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस जो अपनी आप करवा देते हैं एम्प्लॉयज की, कंपनी मेंटेन्ड कार, कंपनी मेंटेन्ड हेलीकॉप्टर, अक्सर इदारे अपने एम्प्लॉयज को सब्सिडाइज लोन्स देते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स देते हैं जिसमें एम्प्लॉयज जो है वो इंटरेस्ट या कम पे करता है या बिल्कुल पे नहीं करता। अब आप देखें इन तमाम के तमाम रिवॉर्ड में टेंजिबिलिटी है, टेंजिबिलिटी मीन्स ये रिवॉर्ड नजर आने वाले रिवॉर्ड है, हम एक टर्म यूज करते हैं टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी सीन, जिसको आप देख सके होता हुआ, इसे हम टेंजिबिलिटी कहते हैं, ठोस, ठीक है ना। ये तमाम रिवॉर्ड्स हैं, इन्हें आप मेजर कर सकते हैं, इनको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, इन्हें आप गिन सकते हैं,
कितने आपने सैलरी इंक्रीमेंट्स दी हैं, कितने आपने बोनसेस दी हैं, कितने आपने पेंशन बेनिफिट्स दी हैं, ये तमाम आपके जो है वो क्वांटिफाइबल, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स आर क्वांटिफाइबल, क्वांटिटेटिव होते हैं, इन्हें आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाइबल रिवॉर्ड्स होते हैं, दे आर क्वांटिफाइबल रिवॉर्ड्स। इसके अगेंस्ट होते हैं इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स वो होते हैं जो नॉन मॉनिटरी होते हैं, नॉन मॉनिटरी एंड इमटीरियल, इनमें मादियत नहीं होती, ये इमटीरियल होते हैं, ठीक है, दे आर इनटेंजिबल, ये इनटेंजिबल रिवॉर्ड्स होते हैं, दे आर इनटेंजिबल रिवॉर्ड, दे कैन नॉट बी सीन, इनको आप देख नहीं सकते, दे कैन नॉट बी सीन। फॉर एग्जाम्पल, किसी काम को करने में जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, आप किसी के अंदर सेंस ऑफ रिकग्निशन डेवलप करते हैं, पैट ऑन द बैक, कमर पे थप्पी देना फॉर एग्जाम्पल, इंजॉइंग द स्टेटस ऑफ द जॉब, प्राइड इन वर्क इटसेल्फ, हर काम को करने की प्रेस्टीज होती है, हर बंदा अपने काम में एक प्राइड ढूंढता है। अगर आप देखें आपके जो आर्मी मैन है, जो हमारे फौजी भाई हैं, ये इंट्रेंसिकली मोटिवेट होते हैं, इन्हें सैलरी मोटिवेट नहीं करती, इन्हें वो प्राइड मोटिवेट करता है कि ये मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, तो वो जो प्राइड है वो इन्हें मोटिवेट करता है कि जान तक देने को तैयार होते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, तो रूम के मुताबिक स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन जो है वो डिपेंड करती है कि ये रिवॉर्ड कैसे हैं और एक्सपेक्टेशंस क्या है इन रिवॉर्ड्स को मिलने की, ठीक है ना, हाउ व्हाट एक्चुअली यू वांट एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स। तो रिवॉर्ड को डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब तक आप रिवॉर्ड को नहीं डिफाइन करते आप मोटिवेशन नहीं लेके आ सकते। किसी भी मोटिवेशनल थ्योरी के अंदर रिवॉर्ड जो है ये प्राइम इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, विदाउट डिफाइनिंग एंड विदाउट डिटर्मिनिंग अ रिवॉर्ड वी कैन नेवर मोटिवेट पीपल, हम लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते, हमें रिवॉर्ड को डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड का डिफरेंस, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का आ सकता है, आपको दो दो तीन तीन पॉइंट्स में इनको क्लियरली डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक जो हमारे पास अगला एलिमेंट है, दैट इज अ केस बेस्ड, इसमें से आपको केस स्टडी आ सकती है, व्हाट मैनेजर्स कैन डू टू मोटिवेट द स्टाफ, इसमें से आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, व्हाट मैनेजर्स कैन डू टू मोटिवेट देयर स्टाफ, ये तमाम थेरीज की समरी है, ठीक है ना। हर इंसान का एक डिफरेंट व्यू होता है टुवर्ड्स मोटिवेशन, हर इंसान एक डिफरेंट तरीके से मोटिवेट होना चाहता है, एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू बी मोटिवेटेड इन अ डिफरेंट मैकेनिज्म, इन अ डिफरेंट प्रोसेस, और ये जो डिफरेंट एक आपका अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म है ये आपको डिफाइन करता है कि आपने कैसे लोगों को मोटिवेट करना। जनरली किसी भी एम्प्लॉय की मोटिवेशन लाने के लिए सबसे पहले तो आपको बेसिक राइट्स को सर्व करना पड़ता है, कंटेंट थ्योरीज पहले आती हैं, प्रोसेस थ्योरीज है वो बाद में आती है, रिमेंबर दिस थिंग, हमेशा कंटेंट थ्योरी पहले आएगी, बेसिक राइट्स फर्स्ट। आप किसी को सैलरी देते नहीं और आप उसकी कमर पर थपकी दे जाते हैं तो वो बंदा मोटिवेट होगा? कभी भी नहीं होगा। आप पहले उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी करें, फिर आप उसे इंट्रिंसिकली मोटिवेट करें। ये फैक्ट है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से इंट्रिंसिक मोटिवेशन निकलती है, पहले आप किसी को एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट करेंगे फिर आप उसके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन लेके आएंगे। पहले आप किसी को एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट करेंगे और फिर आप ये सर्वे बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं वो ये सर्वे करते भी हैं कि कौन सा फैक्टर ज्यादा मोटिवेट करता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक पूरा सब्जेक्ट है, उसके अंदर ये तमाम सर्वे पाए जाते हैं। एक अपना रिसेंट सर्वे के मुताबिक सैलरी से ज्यादा जो चीज लोगों को मोटिवेट करती है वो उनकी वर्किंग एनवायरनमेंट होती है, उनकी वर्किंग कंडीशन होती है। सैलरी मोटिवेट्स लेस एंड वर्किंग कंडीशंस मोटिवेट्स हायर, सैलरी कम मोटिवेट करती है, वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो ज्यादा मोटिवेट करती है। ओबी के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक पूरा सब्जेक्ट है, उसमें ये तमाम के तमाम जो सर्वे हैं ये पाए जाते हैं, ऑल ऑफ दीज सर्वेज आर इन इट, ठीक है। तो आपने जब किसी को भी आपने मोटिवेट करना है तो आपने पहले उसके बेसिक राइट्स को सेटिस्फाई करना है, पहले आपने उसे एक फेयर पे देना है, एक फेयर एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर देना है, और उसके बाद फिर आप उसे इंट्रिंसिक रिवॉर्ड पे लेके जाते हैं, देन यू मूव टुवर्ड्स द हायर लेवल ऑफ द रिवॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरह हर्ट्जबर्ग कहता है कि आपको डिससेटिस्फेक्शन को रिमूव करना है, यू हैव टू रिमूव डिससेटिस्फेक्शन एंड यू हैव टू ब्रिंग इन सेटिस्फेक्शन। हाइजीन फैक्टर्स यूज करते हुए आप डिससेटिस्फेक्शन को रिमूव करेंगे,
You will remove dissatisfaction by focusing on hygiene factors, and you will bring in satisfaction by using motivators. अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोटिवेटर है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोटिवेटर है। जॉब एनरिचमेंट क्या होती है कि एक जॉब के अंदर आप क्या डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देते हैं, इसे जॉब एनरिचमेंट कहते हैं। जिस बंदे को आप जिम्मेदारी ज्यादा देते हैं प्लस उसे आप एम्पावर करते हैं, जॉब एनरिचमेंट लेके आते हैं। जॉब एनरिचमेंट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिग्री ऑफ एम्पावरमेंट इन अ जॉब। एक पीएम की जॉब कम एनरिच होती है एज कंपेयर टू अ मैनेजर्स जॉब, क्योंकि पीएम की जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम है और एम्पावरमेंट भी कम है। जॉब एनरिचमेंट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिग्री ऑफ एम्पावरमेंट इन अ जॉब, और ये एक बेहतर तरीके से मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज को। इसी तरह आपको याद होगा एडम स्मिथ, एडम स्मिथ जो है इसने वेल्थ ऑफ नेशन जो किताब लिखी थी उसमें इसने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट अपना एट द वेरी बेसिक लेवल, वर्क स्पेशलाइजेशन एंड देन ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द रिवॉर्ड सिस्टम। और रिवॉर्ड का जिक्र जो है आपको याद हो तो टेलर ने भी किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, कि आपको इंप्लॉइज को रेम्यूनरेट करना है, आपने इंप्लॉइज को उनके काम के मुताबिक आपने उनको जो है वो रेम्यूनरेशन देनी है। ठीक है, तो रिवॉर्ड्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं ग्रेगर कहता है कि पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट अडॉप्ट कर, हम आगे जाके पढ़ेंगे एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ, पहले आपने शायद इसका भी नाम सुना हो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। देखिए दो तरीके होते हैं। अब ये पार्टिसिपेटिव स्टाइल एक इंट्रेंसिक रिवॉर्ड है, दिस इज एन इंट्रेंसिक रिवॉर्ड। आप लोगों को ये फील देते हैं कि उनका एक इंपॉर्टेंट से है डिसीजन मेकिंग के अंदर। They give the people a feel that they have an important say in the process of decision making. मैं किसी के लिए गोल सेट कर दूं खुद ही अपने एंड पे, या मैं लोगों से बाहमी मुशावरत के साथ उनके लिए मैं गोल्स को एस्टैब्लिश करूं, तो इसे हम नाम देंगे पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट का। मैं क्लीलैंड जो है ये नीड फॉर अचीवमेंट पे फोकस करता है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन पे हमने बात की थी जी, विक्टर रूम ने कहा कि जी स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन को डेवलप किया जाए, एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज किया जाए। वी मस्ट फोकस ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपेक्टेंसी, यानी एफर्ट्स विल लीड टू अ डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। एफर्ट्स जो है ये आपको एक डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे लेके जाएंगी, इस रिलेशन को मजबूत करें। दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपेक्टेंसी। एनकरेज करें अपने एम्प्लॉइज को, उन्हें आप ट्रेनिंग दें, ये तमाम चीजें इसके अंदर आ जाती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो पैदा करती है मोटिवेशन, दैट इज इंस्पिरेशनल लीडरशिप। इंस्पायर करें लोगों को, ये आपको याद होगा हमने पहले भी पढ़ा था इन आई गेस इन द बिगिनिंग चैप्टर, करिज्मेटिक लीडरशिप, रिमेंबर करिज्मेटिक लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर आपने करिश्मा पैदा करना है, उसके अंदर आपने इंस्पिरेशन लेके आना। अच्छा, देयर आर डिफरेंट वेज टू मोटिवेट, इसमें कोई यूनिवर्सल रेसिपी नहीं है। जब मैनेजमेंट, जब एम्प्लॉइज को आप मोटिवेट करते हैं, देयर इज नो यूनिवर्सल रेसिपी टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज। इसमें कोई ऐसी यूनिवर्सल रेसिपी नहीं है जिसके थ्रू आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। आपको एक अमेलगमेट, एक मिक्सचर जो है वो बनाना पड़ता है ताकि आप प्रॉपर मोटिवेशन लेके आ सकें। वी हैव टू डेवलप अ मिक्सचर, वी हैव टू डेवलप एन अमेलगमेट सो दैट वी कैन मोटिवेट द पीपल राइटली बेस्ड ऑन देयर नीड्स। ठीक है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स, आपको हर एक की नीड के मुताबिक उसे मोटिवेट करना। दीज नीड्स कैन चेंज ओवर टाइम, तो आपको ये समझना है कि आपके एम्प्लॉय की नीड्स कैसे चेंज हो रही हैं और किस वक्त आपने किस नीड से किसे मोटिवेट करना। मैनेजर कैन इन्फ्लुएंस द मोटिवेशन, ये फैक्ट है कि मैनेजर्स के हाथ में होती है एम्प्लॉय की मोटिवेशन। ठीक है, नीड्स एज वेल एज रिवॉर्ड दोनों इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन के अंदर। नीड्स जो है आपकी ये बेसिस है, दिस इज द बेसिक, और रिवॉर्ड जो है आपका ये इंट्रेंसिक भी होता है और एक्सट्रेंसिक भी होता है। रिवॉर्ड कैन बी इंट्रेंसिक, रिवॉर्ड कैन बी एक्सट्रेंसिक, लेकिन पहले आप बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद आप रिवॉर्ड्स पे जाएंगे। तो देर इज नो यूनिवर्सल रेसिपी, ये कोई यूनिवर्सल रेसिपी नहीं है इस डिश को कुक करने की। अगर मैनेजर खुद ही मोटिवेट ना हो तो फिर जो उसका सुपीरियर है वो उसे मोटिवेट करेगा ना, ये तो पूरी चेन ऑफ हायरार्की है। ऑब्वियसली एक मैनेजर खुद मोटिवेट नहीं है तो हाउ वुड ही मोटिवेट द पीपल वर्किंग अंडर हिम। लेकिन फिर जो उस मैनेजर का लीडर है, जो उसके ऊपर काम कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो मोटिवेट हो। और अगर ऊपर जाते जाते अगर टॉप मैनेजमेंट ही मोटिवेटेड नहीं है तो अल्टीमेटली डिजास्टर है, बिजनेस एक दिन बंद हो जाएगा, सिंपल है।
ठीक है ना। तो ये जो मोटिवेशन की जो थ्योरी है, जो इसकी रूट है, टॉप मैनेजमेंट से आती है। टॉप मैनेजमेंट मोटिवेट होगी तो नीचे वालों को मोटिवेट करेगी, नीचे वाले मोटिवेट होंगे तो अपने से नीचे वालों को मोटिवेट करेंगे। इट इज अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। और अगर टॉप मैनेजमेंट ही मोटिवेटेड नहीं है, अगर लीडरशिप ही मोटिवेटेड नहीं है, तो फिर तो इदारा चल ही नहीं सकता, फिर तो इदारे ने एक दिन बंद हो जाना है। अल्टीमेटली द कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन वन डे, ठीक है ना। तो इदारे को चलाने के लिए, इदारे को सक्सेसफुली रन करने के लिए मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट ऑल द लेवल्स। यस आई एम हैविंग अ बिट फीवर एंड बैड थॉट। यस ओके जी। सो बड़ी बात है, मतीब साहब आपने आवाज से पहचान लिया कि मेरी तबीयत भी ठीक है। नहीं हाँ, सो मोटिवेशनल प्रोसेस जो है आपका, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। वी मोटिवेट पीपल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी हैव। जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली हम मैयर करते हैं कि हमने किसको किस तरह मोटिवेट करना है। मैं इसकी एग्जाम्पल इतना कोट करता हूँ कि लेट सपोज आपके पास एक पूरी हायरार्की है मैनेजमेंट की, चार लेवल हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट है आपके पास, फ्रंट लाइन मैनेजमेंट है आपके पास, मिडिल मैनेजमेंट है और आपके पास टॉप मैनेजमेंट है। अच्छा, लेट्स सपोज टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है, ये ज्यादा इंस्पायर होंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन से, क्योंकि इनकी बेसिक जरूरियात जो है वो पूरी हो रही है। इनके लिए आपको इंट्रिंसिक रिवॉर्ड जो है वो देने पड़ेंगे, ज्यादा इनको आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ये बोनस से मोटिवेट नहीं होंगे। लेकिन जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, इनके लिए वो कैश बोनस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे विल लेस बी मोटिवेटेड। अगर एक बंदा जो है वो अगर अपना डेली का प्रोडक्शन टारगेट मीट करता है आपके फ्लोर लेवल पे और आप उसकी कमर पे थपकी दे देते हैं, तो वो कमर की थपकियों से मोटिवेट शायद ना करे, उसे वो 100 रुपए का बोनस ज्यादा मोटिवेट करेगा। इसी तरह टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है, उनके पास ऑलरेडी एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड बहुत सारे हैं। कंपनी मेंटेन कार है, कंपनी मेंटेन हाउस है, सैलरी उनकी लाखों में है, तो उन्हें अब मजीद एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड नहीं चाहिए। वो अगर परफॉर्म करते हैं तो उन्हें आप इंट्रिंसिकली मोटिवेट करें, उन्हें आप अप्रिशिएट करें, उन्हें आप रिकग्नाइज करें, उनकी एफर्ट्स को आप, उनकी अचीवमेंट को आप पहचान दें, उन्हें आप एनकरेज करें दूसरों के सामने। ये मोटिवेशन लेवल है। तो देर इज नो यूनिवर्सल रेसिपी टू कुक द सेम फूड। एक ही डिश को पकाने का दुनिया में एक ही तरीका नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ लोग सेम डिश को अपने अपने हिसाब से पकाते हैं। इसी तरह मोटिवेशन को कुक करने के लिए, अगर मोटिवेशन एक डिश है, तो मोटिवेशन को कुक करने के लिए मुख्तलिफ तरीके। वी कैन नॉट मोटिवेट एवरीबडी इन द सेम मैकेनिज्म, इन द सेम मैनर। वी हैव टू कम अप विद डिफरेंट फिनोमिनाज ताकि हम लोगों को उसके मुताबिक चला सकें, ठीक है। तो व्हाट मैनेजर्स कैन डू टू मोटिवेट, इसके ऊपर आप एक केस स्टडी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है आपका रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम आप कैसे एस्टैब्लिश करते हैं मोटिवेशन के अंदर? रिवॉर्ड जनरली इदारे के अंदर एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड जो है, अभी हम बात कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड की। रिवॉर्ड वैसे दो हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, अभी हम सिर्फ एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड की बात करेंगे। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड जो है, ये दो किस्म के होते हैं। जनरली आपके पे सैलरी और आपकी करियर एडवांसमेंट, आप लोगों को एडवांसमेंट देते हैं करियर में, इदारे में ग्रो करने के लिए, ठीक है ना। सैलरी बेस्ड रिवॉर्ड एंड एडवांसमेंट बेस्ड रिवॉर्ड। सैलरी बेस्ड रिवॉर्ड में आपकी बेसिक पे आती है, बोनस आते हैं, कमीशन आते हैं, प्रीमियम पे आती है। प्रीमियम पे जो है, ये स्किल बेस्ड पे होती है। प्रीमियम पे स्किल बेस्ड पे, इसे हम प्रीमियम पे कहते हैं। एक ही एम्प्लॉई जो है वो कोका कोला में काम करता है, और सेम एम्प्लॉई जो है वो लेट सपोज किसी और लोकल कंपनी में काम करता है, तो कोक उसे प्रीमियम पे दे रही है ना, उसके स्किल के बुनियाद पर पे कर रही है। प्रीमियम पे इज योर स्किल बेस्ड पे। जितना स्किल आप किसी जॉब पे लगाते हैं, उतनी आपकी सैलरी बढ़ जाती है। कमीशन होते हैं आपके, कमीशन बेसिकली आपके डिफाइन होते हैं आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। द नंबर ऑफ यूनिट्स यू सेल, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो कमीशन जो है वो देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी जो अपना ये सैलरी और जो आपका ओवरऑल पे सिस्टम है, ये इसके लिए फिर आपने बेसिकली बेसिकली सैलरी इज अ हाइजीन फैक्टर। सैलरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइजीन फैक्टर। सैलरी हम सिर्फ इसीलिए बेहतर करते हैं ताकि आपने लोगों को क्या करना होता है, डीमोटिवेट होने से रोकना होता है, आपने लोगों की डिससेटिस्फेक्शन को अवॉइड करना होता है। इसी तरह आपकी प्रमोशन और जो पे इंसेंटिव है, ये मोटिवेटर है। तो पे इंसेंटिव है, ये आपके मोटिवेटर्स हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवांसमेंट जी लिमिटेड होती है अल्टीमेटली। इसमें आप एक चैलेंजिंग एडवांसमेंट को डेवलप करते हैं,
ये भी नहीं है कि आप हर साल ही इम्प्लॉय को प्रमोट किए जाए, और ये भी नहीं है कि आप उसे 5-5 साल प्रमोट ना करें। डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के ऊपर, और डिपेंड करता है कि अगला लेवल क्या है, उस लेवल पे जाने के लिए इंप्लॉय को क्या स्किल चाहिए, उसको क्या ट्रेनिंग चाहिए, वो तमाम चीजें इसमें आप इसको मैयर करते हैं। यस लिमिटेड होती है, नॉट एवरीबॉडी इज अ पार्ट ऑफ द सेम रेस, हर कोई उस रेस का हिस्सा नहीं होता। आप महदूद करते हैं, आप उसको डिटर्मिन करते हैं उसको अकॉर्डिंगली, और फिर आप ये डिफाइन करते हैं कि इस बंदे को आपने कैसे ऊपर लेके जाना है। ठीक है ना, मैकक्लीलैंड जो है ये बात करता है मोटिवेटर्स के ऊपर। मैकक्लीलैंड जो है ये कहते हैं कि नहीं जी, पे जो है ना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। ठीक है ना, रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ हाई पे और बोनसेस में देयरफॉर बी एन इंपॉर्टेंट मोटिवेटर, क्योंकि पे रिवॉर्ड जो है ये एम्प्लॉयज की रिकग्निशन का एक एलिमेंट बनते हैं। जब एक बंदा हाई अचीवमेंट करता है, एक बंदा हाई अचीव करता है, तो उसे आप नवाजते हैं रिवॉर्ड से। जब आप उसे रिवॉर्ड से नवाजेंगे तो वो बंदा ज्यादा मोटिवेट होगा। ठीक है ना, इसी तरह कैश बोनस जो है ये भी आपकी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने में आपकी हेल्प करता है। प्रोसेस थ्योरीज का अल्टीमेट फोकस ये है कि रिवॉर्ड तो आप दे रहे हैं, लेकिन क्या वो रिवॉर्ड किसी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, या क्या वो रिवॉर्ड ऊंट के मुंह में जीरा तो नहीं है कि इतना मतलब टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में आपने बड़ा माइन्यूट रिवॉर्ड रखा हो। यू हैव टू गिव अ रिवॉर्ड, बट यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट द रिवॉर्ड इज सेटिस्फाइंग अ सर्टन नीड और अ वांट। आप रिवॉर्ड दे रहे हैं, लेकिन वो रिवॉर्ड जो है वो साथ साथ किसी ना किसी नीड को, किसी ना किसी वांट को जस्टिफाई जरूर कर रहा है, सेटिस्फाई जरूर कर रहा है। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस, यू विल डेफिनेटली बी नॉट एबल टू ब्रिंग इन द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट रिवॉर्ड, और वो वैलेंस नहीं रहेगी, वैलेंस जो है वो आपका कम हो जाएगा। अच्छा, एक और स्कूल ऑफ थॉट है कि आप रिवॉर्ड सिस्टम को, ग्रुप रिवॉर्ड सिस्टम को आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल रिवॉर्ड सिस्टम और एक होते हैं ग्रुप रिवॉर्ड सिस्टम। इंडिविजुअल रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो हर इंप्लॉई के अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस। एक आपके होते हैं ग्रुप रिवॉर्ड सिस्टम। ग्रुप रिवॉर्ड सिस्टम मीन्स आप पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस उसको आप रिवॉर्ड करते हैं। वी रिवॉर्ड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द होल ग्रुप, पूरी टीम जो परफॉर्म करेगी। ग्रुप रिवॉर्ड सिस्टम भी बड़ा अच्छा एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है मोटिवेट करने का, लेकिन ग्रुप रिवॉर्ड सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, अभी डिस्कस करते हैं आगे जाके। तो बेसिकली रिवॉर्ड जो है ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, रिवॉर्ड एक ओवरऑल इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे फॉर इंडिविजुअल्स, जब एक इंडिविजुअल परफॉर्म करेगा, नहीं वो और था मतीन, दैट वॉज अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। वो ये था कि हर बंदा जो है ये कल्चर में आता है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, दैट इज अ पार्ट ऑफ हॉफस्टेड मॉडल। उसका कॉन्सेप्ट ये है, उसका जो थीम है वो ये है कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर के अंदर हर बंदा जो है वो अपने मफाद को पूरा कर रहा होता है, अपनी नीड को सेटिस्फाई कर रहा होता है। और कलेक्टिविज्म के अंदर ये होता है कि ग्रुप थिंकिंग होती है, पूरा इदारा जो है वो एज अ सिंगल यूनिट कलेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को सामने रखता है पहले, और बाद में जाती मफाद पे आता है। ठीक है ना, हाँ आप उसको इस तरह से कह सकते हैं रिवॉर्ड सिस्टम में कि जब हर इंसान का अपना जाती मफाद होगा तो डेफिनेटली इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स के लिए लोग ज्यादा मेहनत करेंगे, और जब आप कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को सेटिस्फाई करने की तरफ मेहनत कर रहे हैं तो फिर शायद लोग ज्यादा काम करेंगे ग्रुप रिवॉर्ड्स के ऊपर, कि पूरे ग्रुप को रिवॉर्ड किया जाए, टीम बेस्ड रिवॉर्डिंग की जाए। तो दोनों केसेस में यस दिस माइट बी अप्लाइड, लेकिन जनरली ये हॉफस्टेड का एक कल्चरल फिनोमेना है कि आप किस तरह लोगों के अंदर मोटिवेशन पैदा करते हैं बाय अपना गिविंग देम इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच और गिविंग देम अ कलेक्टिविस्टिक अप्रोच। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे में आपके इंसेंटिव आते हैं। अच्छा, कैश बोनस में और इंसेंटिव में फर्क होता है। बोनस हमेशा मॉनिटरी होता है, रिमेंबर, बोनस हमेशा मॉनिटरी होगा, रुपयों में होगा या डॉलर्स में होगा या करेंसी में होगा। इंसेंटिव इज ऑलवेज नॉन मॉनिटरी, इंसेंटिव हमेशा इंसेंटिव जो है ये नॉन मॉनिटरी होगा। इंसेंटिव कैन नेवर बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ करेंसी। फॉर एग्जांपल, आप एम्प्लॉइज को टारगेट मीट करने के लिए आप उसे कमीशन देते हैं, ये एक बोनस है, या फॉर एग्जाम्पल आप उसे कैश बोनस देते हैं, ठीक है, ये एक आपका बोनस है। इंसेंटिव, इंसेंटिव इज अ नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड, इंडिविजुअल बेस्ड नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल ESOP, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम, ESOP कहते हैं एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम। हम क्या करते हैं, हम इदारे के शेयर जो है, कंपनी के जो शेयर हैं, वो मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे एम्प्लॉइज को ऑफर कर देते हैं, इसे हम ESOP कहते हैं।
वी ऑफर द शेयर ऑफ द कंपनी एट अ लो प्राइस फ्रॉम द मार्केट प्राइस, ठीक है। सही, तो इसे हम नाम देते हैं ईएसओपी का। एग्जैक्टली टैक्स में ईएसओपी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम। अच्छा, परफॉर्मेंस रिलेटेड पेज फॉर इंडिविजुअल जो है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है मोटिवेट करने का, ठीक है। रिवॉर्ड्स आपको डेफिनेटली देने ही है, लेकिन इट डजंट मीन कि आपने सिर्फ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे ही जाना है। प्रमोशन एंड रिकग्निशन, मोटिवेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इंट्रेंसिक रिवॉर्ड्स के अंदर रिकग्नाइज करना और प्रमोट करना एक्सट्रिंसिकली, ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छे इदारे क्या करते हैं, वो कुछ आपको मॉनिटरी रिवॉर्ड देते हैं और कुछ आपको नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड देते हैं। मॉनिटरी रिवॉर्ड में कैश बोनसेस हैं या एक्सटेंडिक रिवॉर्ड देते हैं, और कुछ आपको वो इंट्रेंसिक रिवॉर्ड देते हैं। अच्छा, देर इज अनदर डिबेट विच इज वेरी मच डिटेल्ड बीइंग डिस्कस्ड नाउअडेज, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे फॉर ग्रुप्स। आप पूरे ग्रुप को रिवॉर्ड करते हैं, वी रिवॉर्ड द होल ग्रुप। अच्छा, इसके अंदर दो फायदे होते हैं, देयर आर टू बेनिफिट्स ऑफ दैट। नंबर वन, ग्रुप कोहियन बढ़ती है। इंशाल्लाह 9th चैप्टर में जाके एक टर्म पढ़ेंगे, ग्रुप कोहियन। ग्रुप कोहियन, कोहियन का मतलब होता है आपस में अटैचमेंट। कोहिसिव ग्रुप्स अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू नॉन कोहिसिव ग्रुप। कोहियन का मतलब होता है अटैचमेंट। ग्रुप मेंबर्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, अटैच्ड हैं, उनकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप्ड है। दे बिलीव देमसेल्फ टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, वो अपने आप को ग्रुप का हिस्सा समझते हैं। ये इनकी ग्रुप को हीन कहलाती है, इसे हम नाम देते हैं ग्रुप को हीन का। तो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे से एक तो ग्रुप को हीन बढ़ती है, दूसरा ग्रुप में सिनर्जी बढ़ती है, सिनर्जी इफेक्ट आता है। ये हमने पहले भी वर्ड डिस्कस किया था, सिनर्जी। सिनर्जी कहते हैं 2 जमा 2 5, 2 + 2 मेक्स 5, ठीक है। तो ये जो इसके मेन बेनिफिट्स हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड पे के, ठीक है ना। इसके अंदर लोग अपने आप को एक ग्रुप का हिस्सा समझते हैं, दे बिलीव दैट दे आर पार्ट ऑफ द ग्रुप, और उनकी जो एफर्ट्स हैं वो एज अ होल पूरे ग्रुप की एफर्ट्स में ट्रांसफॉर्म होती है। ग्रुप बोनस के साथ एक प्रॉब्लम भी है। इस प्रॉब्लम से पहले एक कॉन्सेप्ट है, वो हम उसे कहते हैं सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग, सोशल लोफिंग क्या होती है? जब आप एक ग्रुप को किसी एक टास्क पे लगाते हैं तो सारे के सारे लोग इक्वली परफॉर्म नहीं करते। नॉट ऑल द पीपल परफॉर्म ऑन इक्वल ग्राउंड। कुछ लोग ज्यादा परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग कम परफॉर्म करते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अगर चार लोगों का आपने ग्रुप बनाया है और अगर आपने चार लोगों को एक कॉमन टास्क दिया है, तो ये इम्पॉसिबल है कि वो चार के चार लोग इक्वली परफॉर्म करेंगे। दे वॉन्ट परफॉर्म इक्वली। यस, सिनर्जी हैज अ कनेक्शन विद हेल्पिंग अदर इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी। बिल्कुल है, ये अगेन 9th चैप्टर में हम जाकर इसे डिस्कस करेंगे। टीम का और ग्रुप का एक बुनियादी फर्क है कि ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है और टीम के अंदर कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होती है। ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल स्किल्स होते हैं, टीम के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करें फुटबॉल टीम की, आप जब फुटबॉल मैच देखते हैं तो आप देखते होंगे, हम फुटबॉल टीम क्यों कहते हैं, हम क्रिकेट टीम क्यों कहते हैं? व्हाई कांट वी यूज द वर्ड फुटबॉल ग्रुप और क्रिकेट ग्रुप? टीम का वर्ड हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, अगर आप फुटबॉल मैच देखते हो तो फुटबॉल मैच के अंदर 11 लोगों के रोल्स डिफाइंड होते हैं ना। ये डिफेंडर है, ये अटैकर है, ये मिडल लाइन प्लेयर है, ये गोल कीपर है। लेकिन जब बॉल जो है वो अपोनेंट टीम की डी में होती है तो गोल कीपर भी अटैकर बना हुआ होता है। पूरी टीम जो है वो अपोनेंट टीम की डी में आई भी होती है। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट करना स्किल्स को। अगर एक टीम मैच हारती है तो हम ये नहीं कहते कि अफरीदी की गलत शॉट से हम मैच हार रहे हैं, या हम ये नहीं कहते जनाब के पीछे कीपर ने कैच छोड़ दिया था मैच हार गए। हम कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। पाकिस्तानी टीम मैच हारी है, अफरीदी मैच नहीं हारता, ठीक है, या मिसबा मैच नहीं हारता, मैच टीम हारती है, ठीक है ना। तो सिनर्जी जो है वो टीम में ही होती है, ग्रुप में तो होती नहीं। और सिनर्जी के अंदर ही हम इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर। अब टॉकिंग अबाउट सोशल लोफिंग, सोशल लोफिंग में ये इम्पॉसिबल है कि एक ग्रुप के सारे मेंबर्स हैं वो इक्वल परफॉर्म करें। इट इज इम्पॉसिबल दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप परफॉर्म एट द सेम लेवल।
देन व्हाट वी डू इज, कुछ लोग ज्यादा परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग कम परफॉर्म करते हैं, तो फिर टोटल बोनस को ग्रुप में डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। पीपल विल बिलीव कि मैंने तो काम ज्यादा किया था, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए इसका शेयर, मैंने कम काम किया था मतलब उसने कम काम किया था, उससे शेयर क्यों ज्यादा मिल रहा है, ठीक है ना। तो अक्सर लोग जो है वो शेयरिंग बोनस को अनफेयर देखते हैं, दे बिलीव दैट द शेयरिंग ऑफ बोनस इज अनफेयर, और बोनस पेमेंट जो है ये रिसेंटमेंट और आर्गुमेंट क्रिएट करवा देती है आपस में, आप लड़ने में आ जाते हैं कि उसे कम क्यों दे रहे हैं, उसे ज्यादा क्यों दे रहे हैं, या उसने काम कम किया था तो उसको इक्वल बोनस क्यों मिल रहा है, ये चीजें इसके अंदर आ जाती है। एक और तीसरी टेक्निक इदारे इस्तेमाल करते हैं, कंपनी वाइड बोनस। आप चाहे परफॉर्म करें चाहे परफॉर्म ना करें, इदारे जो है वो अपने एनुअल प्रॉफिट का एक परसेंटेज, अ परसेंटेज ऑफ देयर एनुअल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के दरमियान वो अपने एनुअल प्रॉफिट का एक परसेंटेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसे हम कंपनी वाइड बोनस कहते हैं। बेसिकली एम्प्लॉई रिटेंशन को इंप्रूव करने के लिए हम ऐसा बोनस देते हैं, वी वॉन्ट टू इंप्रूव द एम्प्लॉई रिटेंशन, हम चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं वो कंपनी के साथ ज्यादा अर्से तक जुड़े रहें और कंपनी के साथ ज्यादा अर्से तक काम करते रहे, ठीक है ना, उनकी एफिशिएंसी उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। कंपनी वाइड बोनस आर रिगार्डलेस ऑफ परफॉर्मेंस, दे आर रिगार्डलेस ऑफ परफॉर्मेंस, इसमें परफॉर्मेंस जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, आप परफॉर्म करें चाहे आप परफॉर्म ना करें आपको ये बोनस जब मिलेगा। नहीं नहीं इट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज यार, नॉट एट ऑल। वॉलमार्ट ने 2013 में अपने एनुअल प्रॉफिट्स का 1%, अपने एनुअल प्रॉफिट का 1% अपने पूरी दुनिया में काम करने वाले को तकरीबन 1,80,000 एम्प्लॉइज में तकसीम किया। वॉलमार्ट की टोटल मैन पावर इस वक्त जो है वो 2.5 लाख के करीब है, 2013 में उन्होंने 1,80,000 एम्प्लॉइज में कंपनी के 1% प्रॉफिट को शेयर किया, वो 1% प्रॉफिट कंपनी का कितना बना होगा जी, 10 मिलियन US डॉलर्स, 10 मिलियन US डॉलर्स, ठीक है ना, यानी आप समझ लेंगे 10 मिलियन डॉलर मीन्स के 1 करोड़ डॉलर, यानी पाकिस्तानी 1 अरब, ठीक है हमारा 1 अरब रुपया। तो ये उन्होंने 10 मिलियन US डॉलर जो है वो उन्होंने अपने 100 करोड़ तो वो उन्होंने अपने 1,80,000 एम्प्लॉइज जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ये बहुत बड़ा सोर्स होता है मोटिवेशन का, ये इट इज नॉट टू बी थॉट कि ये मोटिवेशन नहीं लेके आता। अच्छा, बोनस से परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट आता है, द लिंक बिटवीन परफॉर्मेंस एंड बोनस, बोनस से परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस जो है वो आप उसे मेजर कर लेते हैं, एम्प्लॉय को जो आप बोनस देते हैं यू कैन इजीली सी कि वो कितना एफिशिएंटली और कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। अ क्लियर लिंक हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड, जितना आप बोनस देते हैं उतनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना, और जितना आप बोनस देते हैं ऑटोमेटिकली उतनी उसकी मोटिवेशन ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन ज्यादा होगी तो परफॉर्मेंस जब बेहतर होगी। तो ये नहीं, अगेन वही बात आ गई, क्योंकि कंटेंट थ्योरीज का ये ड्रॉबैक है कि कंटेंट थ्योरीज मेजर नहीं करती आपकी नीड सेटिस्फेक्शन को परफॉर्मेंस के साथ, कंटेंट थ्योरीज नेवर मेजर द नीड सेटिस्फेक्शन विद द परफॉर्मेंस, ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो आपकी मोटिवेशन है वो और जो आपके बोनसेज हैं उसके थ्रू आप मेजर कर लेते हैं नीड सेटिस्फेक्शन को परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, रिवॉर्ड सिस्टम में से एक सिनेरियो बेस्ड एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अपीयर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम के सवाल में से आपको वो अपना व्हाट मैनेजर्स कैन डू टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, हाउ मैनेजर्स कैन मोटिवेट देयर एम्प्लॉइज, वो किस तरह अपनी वर्क फोर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, ये तमाम चीजें इस चैप्टर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है जी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड मोटिवेशन, और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के बाद हम कल इंशाल्लाह मूव करेंगे मॉडर्न थियरीज ऑफ मोटिवेशन के ऊपर, ठीक है। फीडबैक का टॉपिक बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 या 3 नंबर का, वो डिस्कस करेंगे हम, एंड देन वी आर गोइंग टू जंप ऑन द मॉडर्न थियरी। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो मोटिवेशन के लिए मॉडर्न थियरीज है वो 5 हैं, देयर आर 5 थियरीज ऑफ मोटिवेशन,
वो पांच थेरीज जो है वो कौन कौन सी हैं। गोल सेटिंग थेरी है, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर, फिर उसके अंदर सेल्फ एफिकेसी थेरी है, उसके अंदर लॉ ऑफ इफेक्ट एंड रीइंफोर्समेंट थेरी है, और उसके बाद उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस एंड इक्विटी थेरी है। ठीक है, ये पांच थेरीज हैं टोटल इस चैप्टर में। नौ थेरीज हैं, चार अर्ली थेरीज हैं और पांच जो हैं वो आपकी मॉडर्न थेरीज हैं। इन नौ थेरीज में से एटलीस्ट एक थेरी तो कंफर्म है, दो भी आ जाती होती हैं बट एक थेरी तो मस्ट है। सिक्स और सेवन चैप्टर में से सेवन चैप्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपके ग्रेड की तरफ, मतलब आपके क्वेश्चन की तरफ। जो 20 नंबर का, ये 20 नंबर का पार्ट है ना, पार्ट सी जो है, पार्ट सी इज वर्थ 20 मार्क्स। तो इस 20 नंबर के पार्ट में से समझ लें आपको 60%, 65% यानी 12-13 नंबर जो है वो सेवन चैप्टर में से होते हैं, और 6-7-8 नंबर जो है वो आपके होते हैं फ्रॉम द सिक्स चैप्टर। हमने पास पेपर देखे थे सिक्स चैप्टर के, तो आपने देखा होगा कि 6 नंबर 7 नंबर मैक्सिमम 8 नंबर का सवाल था। ठीक है, तो मोटिवेशन में से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आता है। सिक्स चैप्टर का टेस्ट फ्राइडे को, सिर्फ इस फ्राइडे की बात कर रहे हैं मैं तीन, या अपना चले आपके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट कर लेंगे। शहरियार एंड अदर्स, अदील और जो लोग और हैं जो टेस्ट देते हैं, दे कैन गिव द टेस्ट ऑन मंडे, तो आपके लिए मैं फिर अरेंजमेंट करवा दूंगा कि ऑफ द क्लास टाइमिंग टेस्ट आपको आ जाएगा, फिर आप टेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 11 चैप्टर का टेस्ट हमारा ड्यू है, वो हम इंशाल्लाह सिक्स के बाद करेंगे। हमने अभी फोर्थ एंड फिफ्थ कर दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह परसेप्शन के बाद करेंगे। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ का टेस्ट मैंने मार्क करके रखा है, बस वो आई फॉरगॉट इट ऑन माय ऑफिस टेबल, आई विल ब्रिंग इट टुमारो फॉर श्योर इंशाल्लाह, कल वो स्कैन होके आपको मिल जाएगा। दैट वाज आल्सो फाइन, देयर आर ओनली टू पीपल हु आर एक्चुअली अपेयरिंग इन द टेस्ट। यार शहरयार, मैं अभी जाते हुए मैं फायदा से मिलके जाता हूँ, आई अगेन रिक्वेस्ट हर के आपको थर्ड का ईमेल कर दें, आपको वो क्यों नहीं मिला ईमेल, मैं उनसे दोबारा रिक्वेस्ट कर देता हूँ, डोंट वरी मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपने एंड से अब आप साथ साथ पढ़ते रहे चीज़ों को। मैंने पहले दिन भी आपसे ये बात की थी कि जितना टाइम हम लोग क्लास में लगाते हैं उसका 1.5, 1.5 गुना टाइम आपकी सेल्फ स्टडी का होना चाहिए सेम टॉपिक के ऊपर। ये एक बड़ा सिंपल सा रूल ऑफ सक्सेस है जो मैंने अडॉप्ट किया थ्रू आउट माई अकेडेमिक करियर, एंड आई एनकरेज माई स्टूडेंट्स टू डू द सेम, कि क्लासरूम टाइम जो होता है आपका। जी, इट वॉज परफेक्ट मतीन, आपका टेस्ट जो है वो फोर्थ एंड फिफ्थ का जो था दैट वॉज गुड, इवन आपके पिछले टेस्ट भी सही जा रहे हैं, तो आई होप कि अगर यही परफॉर्मेंस रही आपकी तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हिट द नेल इन द कॉफिन, आप फिर कर जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपका जितना टाइम क्लासरूम का टाइम होता है लर्निंग का, मतलब उसका 1.5 गुना यानी 1.5 टाइम जो आपका क्लॉक आवर्स है वो आपकी सेल्फ स्टडी के होने चाहिए सेम सब्जेक्ट के। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 घंटा BMBS पढ़ते हैं क्लास में, तो इट मीन्स 90 मिनट जो है ये आपका सेल्फ स्टडी टाइम होना चाहिए सेम टॉपिक का, फिर आप तैयार होते हैं उसके ऊपर। बट इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव एम्पल टाइम टू योर सेल्फ स्टडी, तो ऑटोमेटिकली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा आपकी लर्निंग के ऊपर। बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपके और रियल टाइम डिस्कस हो रही होती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो बुक के नहीं है बट स्टिल वो आ रहे होते हैं, तो खैर रिकॉर्डिंग जो है आप उनसे उनको निकाल सकते हैं बाद में सुनते हुए। आप डेफिनेटली अपने आप नोट्स भी बनाते होंगे, तो ट्राई टू डेवलप योर सेल्फ नोट्स एज वेल। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह, कल है थर्सडे और फ्राइडे, 2 दिन में हम इंशाल्लाह अपना मोटिवेशन का चैप्टर वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, सैटरडे को हम एक इसका क्विक रिकैप करेंगे और इसी चैप्टर के पास पेपर डिस्कस करके हम 8th चैप्टर को इंशाल्लाह सैटरडे को उसको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक में अब हमारा मैक्सिमम जो टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है वो 8th चैप्टर है, लीडरशिप पार्ट डी, 8th, 9th एंड 10th, 3 चैप्टर में से 20 नंबर आते हैं, और उस 20 नंबर में से 10 से 11 नंबर जो हैं वो 8वें चैप्टर के होते हैं, रिमेनिंग 9 नंबर डिवाइड होते हैं 9वें और 10वें चैप्टर में। ठीक है, सो स्टे ऑन द ट्रैक, कल इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।